शादी के बाद पहली बार अमर अपनी पत्नी पायल को लेकर जंगल में कहीं घूमने जा रहा है। अमर पायल को बिना बताए एक फॉरेस्ट बंगलो भी बुक कर लेता है। फिर वो लोग अपनी कार से निकल पड़े। अमर, हम शादी के बाद पहली बार एक साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। तुम नहीं जानते कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। जगह पसंद आई? बहुत। उन लोगों को बंगलो तक पहुंचने में रात हो गई थी। गाड़ी से उतरने के बाद पायल बंगलो को देखकर कहती है, ये कैसा बंगलो है अमर? अंधेरे में घिरा हुआ और ना ही कोई नजर आ रहा है। तुम मुझे कहाँ ले आए? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं यहाँ भूत तो नहीं? डरो मत, चलो मेरे साथ। कोई है? केयरटेकर कोई है? कोई है यहाँ? तब उस बंगलो के अंदर से एक चौकीदार बाहर आता है, काला चादर ओढ़े हुए। देखने में भी थोड़ा अजीब था। अमर बंगलो का बुकिंग रसीद उसे देकर कहता है, हमारा बुकिंग है इस बंगलो में, मगर यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अंदर आइए। इतना बोलकर चौकीदार उनका सामान उठाकर अंदर लेकर चला जाता है। दोनों को थोड़ा अजीब लगता है, मगर बिना कुछ कहे दोनों चौकीदार के पीछे चले जाते हैं। चौकीदार उनका सामान फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में ले जाकर रख देता है। तब अमर उससे कहता है, यह क्या, हमने तो सबसे ऊपर वाला कमरा बुक किया था, फिर ये कमरा क्यों? साहब, ऊपर वाला कमरा थोड़ा खराब है, इसलिए ऑफिस से ऑर्डर आया है कि वो कमरा अभी किसी को नहीं दिया जाएगा। यह क्या मजाक है, आपका ऑफिस तो हमसे उस कमरे के लिए ज्यादा पैसा लिया है। साहब, उस कमरे को साफ भी नहीं किया है, बहुत गंदा है, अभी तो साफ करना मुश्किल है। ठीक है, आज रात हम इसी कमरे में रह जाते हैं, सुबह देखता हूँ। छोड़ो भी अमर, आज रात इसी कमरे में रुक जाते हैं। इस कमरे में लाइट तो है ना? बिजली चली गई है मेम साहब, आज शायद नहीं आने वाली। कमरे में मोमबत्ती है, जला लीजिएगा। अब आप लोग अंदर जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लेकर आता हूँ। चौकीदार चला जाता है। इतने में पायल कहती है, मुझे इस आदमी की बात कुछ ठीक नहीं लग रहा है अमर, कुछ तो गड़बड़ है उस कमरे में। तो तुम क्या कहती हो, हमें उस कमरे में जाकर एक बार देखना चाहिए? नहीं नहीं, इसमें खतरा हुआ तो? अरे मैडम, आप भूल गई हैं कि आप किसकी पत्नी हैं। घूमने के साथ थोड़ा एडवेंचर भी तो हो जाएगा। तो आज रात हम उस कमरे में जाएंगे, बस। चौकीदार उनकी बात कमरे के बाहर से सुन लेता है, फिर खाना लेकर आता है और कहता है, साहब मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाओ। साहब खाना, और हाँ, उस कमरे में जाने की कोशिश नहीं करिएगा, वरना बाद में आप लोगों को पछताना होगा। ये कहकर चौकीदार वहाँ से चला जाता है। फिर पायल कहती है, अमर अब मुझे भी मालूम करना है आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है। धीरे बोलो धीरे, चौकीदार सुन लेगा। देर रात को अमर और पायल अपने टॉर्च लेकर ऊपर उस कमरे के सामने जाते हैं। अमर उस कमरे का ताला तोड़ देता है और वो दोनों उस कमरे के अंदर घुसते हैं। मगर बहुत अंधेरा होने के कारण कुछ नजर नहीं आ रहा था। अमर टॉर्च की रोशनी से देखता है तो उसे एक फायर प्लेस दिखाई देता है, जिसमें अभी भी कुछ लकड़ी पड़ी हुई है। अमर तब उस लकड़ियों में आग लगा देता है, तो वो लकड़ियाँ तेज आग में जल उठता है और उस आग से एक काला धुआं निकलने लगता है। उस आग की रोशनी से दोनों देखते हैं कि कमरे में चारों तरफ सामान फैला हुआ है। ये क्या, चौकीदार ने तो कुछ और कहा था, यहाँ तो पूरा कमरा जला हुआ है, जैसे यहाँ कोई चीज जलाया गया हो। और आग से ये अजीब सी बदबू क्यों आ रही है, और कितना काला धुआं भी निकल रहा है, देखो।
हाँ सही कहा तुमने। इतने में वो चौकीदार दोनों को नीचे के कमरे में ना देखकर ऊपर आ जाता है। ये क्या कर दिया आपने? आग जला दिया? आप लोगों को मना किया था ना, अब वो हमें मार डालेगी। कौन कौन मारेगी? इतने में उस कमरे के चारों तरफ से किसी औरत की भयानक हंसी की आवाज आने लगी। उस आवाज से तीनों डर गए और अचानक आग में से एक चुड़ैल बाहर आ गई। आज मैं आजाद हो गई, अब तुम सब मरोगे। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए। तुमने ही तो सब कुछ किया है, पैसे के लालच में मुझे बेरहमी से जला डाला। एक बार भी नहीं सोचा कि जलने से मुझे कितना दर्द होगा, अब खुद देखो। ये कहकर चुड़ैल उस चौकीदार के शरीर पर आग लगा देती है। चौकीदार चिल्लाने लगता है और नीचे की तरफ दौड़ने लगता है। तब अमर चुड़ैल से कहता है, रुको, ऐसा मत करो। तुम कौन हो, मुझे सब बताओ। मरने से पहले मेरा नाम पूजा था। अमीर पिता की इकलौती बेटी थी मैं। मेरे पिताजी ने उनके सारी जायदाद मेरे नाम कर दिया था, जो दलील अनुसार मेरे जीते जी किसी और के नाम नहीं हो पाएगा। कुछ दिन बाद सुमित से मुझे प्यार हो गया और पिताजी ने मेरी शादी करवा दिया। सुमित बड़े कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन मन ही मन मेरी सारी संपत्ति हड़पना चाहता था, इसलिए मुझसे शादी किया था। पर मैं और पिताजी दोनों ही इस बात से अनजान थे। शादी के कुछ महीने बाद पिताजी चल बसे। उसके बाद सुमित को पता चला कि जायदाद मेरे जीते जी उसका नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने इस चौकीदार के साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बनाया। देखो, जब मैं रात को अपने कमरे में नहीं रहूंगा, तब तुम अंदर घुसकर उसे मारकर बेहोश कर दोगे, फिर फायरप्लेस में उसे जला दोगे। इसके लिए तुम्हें मुंह मांगा पैसा मिलेगा। फिर घूमने के बहाने मुझे इस सुनसान बंगलों में ले आया। फिर सुमित के प्लान मुताबिक ये चौकीदार मुझे बेहोश करके जिंदा ही जला डाला। जलन के कारण मुझे होश आ गई थी और मैं इस कमरे के अंदर इधर उधर छटपटाती रही। फिर मेरे मौत के बाद शरीर को इस फायरप्लेस में डाल दिया, तब मेरी आत्मा इस कमरे में कैद हो गई। आज आप दोनों की वजह से मैं आज़ाद हो गई। आप दोनों का शुक्रिया, अब मैं अपना बदला लूंगी। रुक जाओ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। वो कैसे, कौन है आप? मैं सीबीआई इंस्पेक्टर अमर चौधरी हूँ। 2 महीने पहले इसी केस की तहकीकात की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। अब सुमित मेरे हाथों से नहीं बचेगा। क्या तुम यहाँ अपना केस सॉल्व करने आए हो? हाँ पायल, मैंने सोचा तुम्हें घुमा भी दूंगा और केस का इन्वेस्टिगेशन भी हो जाएगा। अमर तब सब सबूत इकट्ठा करके सुमित को उम्र कैद की सजा दिलवाया। पूजा की आत्मा को शांति मिली और उसे मुक्ति मिल गई।